हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले माफ़ी चाहूँगी, कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि टाइम नहीं मिला। मैं मॉर्निंग में 7 बजे ही निकल गई थी ऑटो से, तो यहाँ पे बेटी को लेकर निकल गई हूँ ऑटो से और जो है हॉस्पिटल के लिए। तो चलिए हॉस्पिटल चलते हैं और अभी देखते हैं कितने दिन और लगेंगे हॉस्पिटल में सासू माँ को। तो अभी ठीक अच्छे से नहीं हुई है, डॉक्टर ने अभी डिस्चार्ज भी नहीं किया, कह रहे थे 2-4 दिन में हो जाएगा डिस्चार्ज। तो देखिए, तो यहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँच भी गई थी और बाहर बैठी हूँ अभी, क्योंकि अभी बड़े डॉक्टर आएंगे चेक करने के लिए मम्मी को। तो वहाँ पे कोई भी नहीं बैठ सकता और काफ़ी लोग आए हैं। तो बेटी अपने बड़े पापा के साथ आ गई थी क्योंकि वो अपने बड़े पापा के पास थी, और देवरानी, और देवरानी की बेटी। तो बेटा सब आ गए हैं और कुछ लोग अंदर हैं अभी, और वो मतलब देख के चले जाएंगे और हम लोग रहेंगे। तो मुझे नहीं पता था कि देवरानी आ रही है, नहीं तो मैं आज ना आती थी क्योंकि बेटी भी नहीं थी और बेटे को आज मेरे बुखार भी था, और फिर दवाई लेकर बेटे की तो मैं आ गई थी। तो आराम हो गया था बेटे को दवाई देकर, तो साथ में लेकर आ गई हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे अंदर बैठी हुई हूँ मम्मी के पास बेड पे ही। मम्मी अभी बाथरूम गई तो मैं वहीं बेड पे बैठ गई थी, और देख सकते हो देवरानी की बेटी। तो देखते हैं अब 2-4 दिन में हो जाएगा, फिर हम हॉस्पिटल बार बार नहीं आना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग हॉस्पिटल से बाहर आए हुए, मतलब अब मैं जा रही हूँ घर, और हॉस्पिटल हो रहा जहाँ पे पंखा चलते हुए दिख रहा होगा आप लोगों को, तो वो है हॉस्पिटल। मतलब ये बैक साइड का है, और ये वाह, ये रहा झूला। यहाँ पे काफ़ी सारे झूले हैं, लेकिन धूप है इस टाइम पे, हाथियां बैठ। हम लोग ज्यादा भारी तो नहीं है मम्मी, पता भी तुम ज्यादा बोलोगे तो। ये वाला झूला है टूटा हुआ है, उतरो उतरो उतर टूट, देख अब ये देख रही है, उतरो, ये देख रही है पूरा टूटा हुआ है वो, देखो पहले देख तो लिया करो, बैठ किस पे रहे हो, इसको अकेले को बिठा के धक्का देना था ना। रोक नहीं रही है तो झूले झूले हैं यहाँ पे, एक वो देखो उधर भी झूला है, कितने सारे झूले तो है पार्क में, काफी सारे झूले लगे हैं जो कि अच्छी बात है। और सिटी एरिया बहुत ज़्यादा बढ़िया है, यहाँ पे हर जगह बैठने की बेंचेस कितने सारे रखे हुए, बहुत सारे बेंच वगैरह रखे हैं यहाँ पे बैठने के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। जगह जगह बेंच रखे हुए हैं बैठने के लिए, बेटा ये तो ऊपर से ही ऐसे आए, आइए जल्दी आ जा, तो डायरेक्ट कूदेगी क्या? ये देखो हमारी बिटिया रानी झूला झूल रही है। मजा आया ना, कहीं ऐसा ना हो मैं देख सुअर, ये तो टूट ना जाए, देख कैसे ही बस। कल तो बहुत गर्म था और मैं हाफ पैंट पहन के आया, तभी आज फुल पैंट पहन कर आया। आ जाए तो हिल रहा है, देख उसका नेट वगैरह निकला हुआ है। चलो कहीं ऐसा, चलो अब मर गया, अब चलो उठाओ बैग, ऋषभ बैग उठाओ, देर हो रहा है, एक आखिरी बस ऋषभ। तो फ्रेंड्स, बच्चों ने पार्क में खेल लिया थोड़ा सा, उसके बाद चलते हैं ऑटो पकड़ते हैं और घर चलते हैं, और जो है फिर मुझे जो है घर के काम भी करना, और मैं आज जल्दी जा रही हूँ क्योंकि देवरानी थी तो देवरानी देख लेगी, और मैं जा रही हूँ फिर घर, और क्योंकि फिर रोज ही आना होता है, एक दिन का तो है नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, और उसके बाद जो है नेक्स्ट डे मिलते हैं आप लोगों से, तो चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं। तो ये है नेक्स्ट डे, और मैं आ गई हूँ, और मतलब काफ़ी टाइम हो चुका मुझे आए हुए, तो दोपहर का टाइम हो रहा होगा। तो यहाँ पर बैठी हूँ अंदर और मम्मी के पास ही, और मम्मी बातें करने में लगे हुए हैं, और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिससे मूड भी ऑफ होता है, और कुछ मतलब समझ में नहीं आता कि लोग आखिर चाहते क्या हैं, उनके दिमाग का कुछ समझ में ही नहीं आता है।
जो मर्जी हो जाए, लेकिन उनको बुराइयाँ करनी ही करनी होती है। और फिर उसके बाद आ गए थे, यहाँ पे बैठे हुए थे और पापा लेकर आ गए थे समोसे। मतलब शाम हो चुकी थी, 5:30 का टाइम हो गया था, तो पापा गए हुए थे घर घर और उसके बाद आते समय समोसे ले आए थे। तो हम लोग समोसे खा रहे हैं और आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए समोसे। और उसके बाद फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया आगे, क्योंकि उसके बाद मैं फिर 6 बजे घर चली गई थी और मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं जब भी हॉस्पिटल में आती हूँ तबीयत, मतलब वो होता नहीं है कि पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है शरीर में, जो होता है ना हॉस्पिटल का, तो वही हो जाता है। हॉस्पिटल में जाओ और खुद ही बीमार हो जाओ, ऐसा फीलिंग होता फील होता है कि बीमार हो गए। और फिर मैं आराम से लेट गई थी और बेटी ने जो है घर का सारा बेटी देख रही थी फिर उसके बाद। और ये बड़ी जिठानी है मेरी, सबसे बड़ी, घर की सबसे बड़ी जिठानी है। और जो है तो हम दोनों ही थे आज, तो हम दोनों ही आज जो है घर यहाँ पे हॉस्पिटल में आए थे। हाँ, और पापा आए थे, पापा भी अभी तक हैं, मतलब पापा फिर घर चले गए थे, फिर आ गए थे दोपहर को या तीन बजे पापा घर गए थे, फिर आ गए थे वापस, क्योंकि आज डिस्चार्ज हो जाएंगी मेरी सासू माँ। तो डॉक्टर ने कह दिया कि आज शाम तक 7 बजे तक उनको निकाल देंगे हॉस्पिटल से, तो आप घर ले जाना है। तो ठीक है, मैं कहा बहुत अच्छी बात है, आज से अब हॉस्पिटल मुझे नहीं आना पड़ेगा, मतलब कोई भी नहीं आएगा। फिर हफ्ते भर के बाद 5 दिन के बाद फिर से डॉक्टर चेकअप करने के लिए बुलाएंगे, तो वो जाना होगा, तो कोई भी लेकर जाएगा, पापा लेकर आ जाया करेंगे और चेकअप करवा के फिर ले जाएंगे। तो आज बस आज का ही दिन है हॉस्पिटल में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक, कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।